वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए अच्छी खासी कंपनी लेकर आया हूँ, फोकस एनर्जी लिमिटेड। इसमें वैकेंसी है और डायरेक्ट कंपनी आपके लिए जॉब प्रदान कर रही हैं। आप डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। फोकस में अपना आप करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोकस में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा है और बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, फोकस में आप जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और वैकेंसी कौन कौन सी निकल रही है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर 3 डॉट हैं इस वेबसाइट पर, यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो होम है, अबाउट अस, वैकेंसी, तो वैकेंसी है यहाँ पर, इस वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। वैकेंसी पर जैसे हम वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर एक वैकेंसी है गुड़गांव में और 9 वैकेंसी है जैसलमेर में और 0 वैकेंसी है दिल्ली में। तो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जैसलमेर की। यहाँ पर 9 वैकेंसी 9 डिपार्टमेंट में है दोस्तों वैकेंसी। वैकेंसी ज़्यादा हो सकती हैं, यानी कि वैकेंसी ज़्यादा हैं, लेकिन 9 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो 9 डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और इसमें है एडमिन, 5 वैकेंसी एडमिन में है, और अकाउंट एग्जीक्यूटिव है इसमें 5 वैकेंसी है, और जो कोयल ट्यूबिंग इंजीनियर है इनकी वैकेंसी है दोस्तों 5 वैकेंसी इनकी है कोयल ट्यूबिंग इंजीनियर की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है 50 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। और ये दोस्तों ट्रेनी के रूप में, प्रेशर के रूप में काम कर सकते हैं इस कंपनी में। और दोस्तों MUD यानी कि मड केमिस्ट है, ये 50 वैकेंसी है, और ये भी ट्रेनी और प्रेशर के रूप में काम कर सकते हैं। एक एक की आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में, लेकिन आपको जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। मैकेनिकल इंजीनियर है, इनकी 50 पोस्ट है, और ट्रेनी और प्रेशर के रूप में ये काम करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, इनकी है 50 वैकेंसी, और जियोलॉजिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी 50 वैकेंसी है, ये भी ट्रेनी के रूप में काम करेंगे, और जैसलमेर राजस्थान में इनकी जॉब लगेगी। गैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिस्ट है, और इसमें 2 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें 2 वैकेंसी है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने बताया, यहाँ पर एक और बात करते हैं यहाँ पर गुड़गांव की। तो गुड़गांव पर क्लिक करेंगे। गुड़गांव में हमान रिसोर्स रिक्रूटमेंट, ये जो HR होता है उसकी वैकेंसी है, और हेड ऑफिस में आपको ये जॉब करना होगा, डिपार्टमेंट हेड ऑफिसर, और इसमें आपको 5 वैकेंसी मिल रही हैं HR डिपार्टमेंट में, और ये आपको गुड़गांव गुरुग्राम में आपको मिलेगी। ड्यूटी टाइम है 9 सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, और यहाँ सैलरी है नॉट डिकल्ड बाई रिक्रूटर। दोस्तों यहाँ पर सैलरी नहीं बता रखी है, लेकिन आपको अप्लाई करने के बाद में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों हम गुड़गांव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमन रिसोर्स है इसके, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर रीड मोर है, रीड मोर को क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपना CV है जो इस कंपनी में भेजें, और ACV है इस तरह से भेजेंगे। इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है ऑयल गैस, और इसमें HR डिपार्टमेंट में वैकेंसी है HR एग्जीक्यूटिव, फुल टाइम आपको जॉब मिलेगा। और यहाँ पर है जो कौन कर सकता है इसको अप्लाई, ग्रेजुएट, यानी कोई भी ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और PGA यानी पोस्ट ग्रेजुएट है इसमें अप्लाई कर सकता है, और डेकोरेट नॉट रिक्वायर्ड,
तो हम ये जिस तरह ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफिस है, ये रहेगा एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर का रहेगा दोस्तों। इसमें 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें रहेगा। लोकेशन गुड़गांव में रहेगी, 5 वैकेंसी है और ये ईमेल है, इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हो ईमेल करके। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई के पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक और ये पेज खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और इस तरह से अपना नाम भरें, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है और अल्टरनेट फ़ोन नंबर है। दोस्तों आपके एजुकेशन के बारे में भी जॉब मिलेगी, आप इस वीडियो में डटे रहें। तो इस तरह से हम इस फॉर्म को भर लेंगे, उसके बाद में सबमिट का बटन दबा देंगे। हम बात करते हैं जो और भी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर है दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर पर हम क्लिक करेंगे तो अकाउंटेड अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, इसकी वैकेंसी है। इसमें भी वही तरीका है कि जो पोजीशन है वो रहेगी अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, और कंपेटरी सैलरी रहेगी, प्लस में आपको फूड रहेगा, अकोमोडेशन रहेगा, कंपनी आपको देगी, और एक से तीन साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। जैसलमेर में आपको जॉब मिलेगी राजस्थान में 5 से, और यहाँ पर वर्क है, रोटेशन रहेगा 5+1, 5 मंथ करना पड़ेगा आपको काम, 1 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी, 12 घंटे आपको काम करना होगा। इसके लिए जो योग्यता है वो रहेगी दोस्तों बीकॉम और एमकॉम, इसमें योग्यता रहेगी। अब वापस आते हैं, और आगे आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें और अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हैं दोस्तों, वापस जैसलमेर पर क्लिक करेंगे, करते ही हमारे पास में एडमिन का ऑप्शन आएगा, और एडमिन पर 5 वैकेंसी है, और इसमें है दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वो प्रेशर है, यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। आपके पास में अगर प्रेशर है, 0 का एक्सपीरियंस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसलमेर राजस्थान में जॉब मिलेगी, 5 महीने को आपको काम करना होगा, 1 महीने की छुट्टी होगी, 12 घंटे काम करना होगा, फूड मिलेगा, अकोमोडेशन रहेगा आपको, और कंपिटिटिव जो सैलरी आपको मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। और इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी एजुकेशन BA, BCom, BSc, एनी स्पेशलाइजेशन, और जो PG है उसमें रहेगी MA, MCom, MSc, ये रहेगी। और दोस्तों आपको नीचे जाना है, इस तरह से नीचे जाएंगे तो हम अप्लाई का ऑप्शन पाएंगे और अप्लाई कर देंगे। वापस आते हैं दोस्तों, और जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में मिलेगी आपको जानकारी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास में रोजाना कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी पहुंचे, प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों की जानकारी पहुंचे। कूलिंग कोयल ट्यूबिंग इंजीनियर है, इनकी 5 वैकेंसी है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, और फूड मिलेगा आपको, अकोमोडेशन मिलेगा, 4 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। जॉब वैकेंसी जो लोकेशन रहेगा जॉब का वो जैसलमेर राजस्थान में रहेगा, 12 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी। और रीड मोर पर हम क्लिक करते हैं, रीड मोर पर अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर कैंडिडेट जो रहेगा क्वालिफिकेशन की कैंडिडेट की वो रहेगी BTech और BE, पेट्रोलियम इंजीनियर में आपकी ये होनी चाहिए BTech और BE, और जो PG है वो MTech पेट्रोलियम इंजीनियर में होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो इसमें भी। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, वो नीचे हम जाएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा। वापस बैक करके हम दूसरी पोस्ट के बारे में जानते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने एडमिन का कर लिया, कूलिंग ट्यूबिंग इंजीनियर का कर लिया, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, इसमें 50 वैकेंसी है और आपको अच्छी खासी सैलरी है, प्रेशर है, इसमें कैंडिडेट चाहिए और अप्लाई कर सकता है। जैसलमेर राजस्थान में 5 मंथ के आपको ड्यूटी दी जाएगी, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 12 घंटे की आपकी ड्यूटी है, और इसमें रीड मोर पर क्लिक करेंगे, और BTech और BE एनी स्पेशल इलेक्ट्रिकल में इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखनी होगी, MTech एनी इलेक्ट्रिकल स्पेशली जैसन है जो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, और MTech हैं जो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए।
अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अप्लाई की, तो अप्लाई यहाँ पर आप कर दें। अब वापस आते हैं, इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर focusenergy.co.in पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको टाइप करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे पास में फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, उस पर आप क्लिक कर दें। नहीं तो ये जो आपको ये लिंक है ये दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर यही पेज खुलेगा। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और ये देख ली थी हमने। इसके बाद में MUD केमिस्ट, इसकी 50 वैकेंसी है और प्रेशर चाहिए जैसलमेर में वही 5+1 यानी कि 5 महीने काम करना होगा और 12 घंटे और 1 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें दोस्तों बीएससी चाहिए यानी स्पेशलाइजेशन, और एमएससी है वो पीजी में चाहिए, और इसमें डॉक्टरेट जो नोट रिक्रूटमेंट है, और क्या नाम से इसमें अप्लाई कर सकते हो आप नीचे जाकर। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें और भी वैकेंसी है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम जैसे मेरे पर वापस आएंगे तो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर की और पोस्ट 50 वैकेंसी है इनकी, वही प्रेशर चाहिए जैसलमेर में जो मिलेगी, 5+1 आपको इसमें वर्क रोटेशन है यानी कि 5 महीने आपको काम करना होगा, 12 घंटे और 1 महीने की छुट्टी देगी। रीड मोर पर हम क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे उसके बाद में BTech और बी मैकेनिकल में होना चाहिए, MTech है यानी स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियर में, ये PG में होना चाहिए MTech, और इसमें नीचे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से अप्लाई करो दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, वैकेंसी फुल होने से पहले आप अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंजीनियर है उनकी 50 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है उनकी 50 वैकेंसी है, और प्रेशर चाहिए जैसलमेर में, 5 महीने के काम करना होगा, 1 महीने की छुट्टी, 12 घंटे आप काम करना होगा। रीड मोर पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही BTech और BE इसमें चाहिए यानी स्पेशलाइजेशन, और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए PG में, MTech होना चाहिए वो भी यानी स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर में, और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो नीचे जाकर। अब एक और वैकेंसी हमारे पास में बची हुई है, वो है दोस्तों वो हमारे पास में है जियोलॉजिस्ट है हमारे पास में वैकेंसी बची हुई है जियोलॉजिस्ट, इसकी 50 वैकेंसी है, और जो प्रेशर चाहिए इसमें जैसलमेर में ट्रेनिंग और प्रेशर के रूप में 5+1 यानी कि 5 महीने आपको काम करना होगा, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी और 12 घंटे आपको काम करना होगा। जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट, इसमें BSc और जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट इसमें MSc आपकी होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जाएंगे हम तो वापस हमारे पास में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में और कुछ डिटेल आएगी, ये भरनी होगी। इस तरह से आप डिटेल को भरें, और भरने के बाद में दोस्तों आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं काम करने के और इंटरव्यू देने के, इसलिए आप फॉर्म ज़रूर भरें दोस्तों। और अगर आप रोज़ाना कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी पाना चाहते हो तो टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों की वैकेंसियों की सूचना दी जाती है। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम।